रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश पीरियड। फर्स्ट रिसाइट दुआ विद मी। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ओ माय लॉर्ड इंक्रीज माय नॉलेज। सो बेटा, टुडे वी विल स्टार्ट आवर नॉवेल एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। ओपन पेज नंबर 1। सो दिस इज योर नॉवेल पेज नंबर 1 एंड द हेडिंग इज डाउन द रैबिट होल। योर चैप्टर नंबर 1 इज डाउन द रैबिट होल, अ रैबिट विद अ वॉच। Here you can see in the picture there is a rabbit and it has a watch in his hand, right? In one hand he is holding a watch and in the second hand it is holding the umbrella and Alice is following him. Now let's see the story. Alice had nothing to do. She was sitting by the river with her big sister, but that was not interesting. Once or twice she looked at the book her sister was reading. There were no pictures in it. What good is a book without pictures? Alice thought. Alice के पास करने को कुछ नहीं था, वो river के किनारे बैठी हुई थी अपनी big sister के साथ, और उसकी sister क्या कर रही थी, एक book read कर रही थी। Alice ने एक दो दफ़ा book में भी देखा लेकिन उसमें कोई picture ही नहीं थी, तो उसने सोचा कि एक book without picture क्या अच्छी हो सकती है। It was very hot and she felt tired. Then, quite suddenly, she saw a rabbit. It was a white rabbit and it had pink eyes. It ran close by her. वो बहुत ज़्यादा उस दिन गर्म दिन था और वो थकी हुई थी, फिर उसने अचानक ही एक रैबिट देखा। वो वाइट कलर का रैबिट था जिसके पिंक आइज थी और वो उसके करीब ही भाग रहा था। This was not very strange, Alice thought. She knew that lots of rabbit lived near the river. उसने सोचा ये कोई अजीब बात तो है नहीं, रिवर के किनारे तो बहुत सारे रैबिट रहते हैं। Then Alice heard the rabbit speak. फिर एलिस ने सुना कि वो रैबिट बोल रहा था। He said to himself, उसने खुद से कहा, oh dear, I am going to be late. मैं लेट हो रहा हूँ। Alice was not too surprised. Alice अभी भी सरप्राइज नहीं हुई। She thought all animals could speak. उसने सोचा कि तमाम एनिमल्स स्पीक कर सकते हैं। Now बेटा, turn the page and come to page number 2. This is your page number 2. Then the rabbit took a watch out of his coat pocket. फिर उसके बाद rabbit ने अपने coat की pocket से एक watch निकाली। He looked at the watch, put it back in his pocket and hurried on. उसने watch देखी, दोबारा pocket में रखी और जल्दी जल्दी चलने लगा। That did surprise Alice. इस बात ने Alice को surprise किया। She had never seen a rabbit wearing a coat before or using a watch. उसने उससे पहले किसी rabbit को ना तो coat पहने हुए देखा था और ना ही watch use करते हुए। She stood up quickly and ran across the field after the rabbit. वो तेज़ी के साथ खड़ी हुई और उसके पीछे भागने लगी जहाँ वो rabbit जा रहा था। Then she saw it go into a large rabbit hole. फिर उसने देखा कि वो rabbit एक large rabbit hole में चला गया है। Down the rabbit hole. Alice went into the hole after the rabbit. Alice भी rabbit के बाद उस hole में चली गई। Alice could not see very well. उसे कुछ सही नज़र नहीं आ रहा था। Suddenly she was falling down and down into a very deep hole. अचानक ही वो गिर गई और वो गिरती गई बहुत deep hole में। Alice fell quite slowly. She had time to look at the things around her. एलिस जो स्लोली गिर रही थी, उसे अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देखने का मौका मिला। शी लुक्ड एट द साइड्स ऑफ द होल, उसने होल के साइड में देखा। शी कुड सी लॉट्स ऑफ कबर्ड्स एंड शेल्फ, उस होल के साइड में बहुत सारी कबर्ड्स और शेल्फ थी। शी टुक अ जार फ्रॉम वन ऑफ द शेल्फ, उसने एक शेल्फ से एक जार उठा लिया। द वर्ड्स ऑरेंज जैम वर रिटन ऑन इट, और उस जार के ऊपर क्या लिखा था, ऑरेंज जैम। एलिस लाइक ईटिंग जैम बट शी हैड नेवर हर्ड ऑफ ऑरेंज जैम बिफोर। एलिस को जैम खाना पसंद था लेकिन उसने उससे पहले कभी ऑरेंज जैम का नाम नहीं सुना था। शी ओपन्ड द जार बट इट वॉज एम्प्टी। शी पुट इट बैक केयरफुली। डाउन 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 वुड द फॉल नेवर कम टू एन एंड। हाउ मैनी माइल्स हैव आई फॉलन नाउ, शी आस्क्ड हरसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा, क्या ये गिरना कभी ख़त्म नहीं होगा, पता नहीं मैं कितने माइल गिर चुकी हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, मैं सेंटर ऑफ द अर्थ के करीब कहीं पहुँच गई हूँ। सडनली शी स्टॉप, she fell onto some dry leaves and sticks. Alice was not hurt. She jumped up quickly onto her feet. वो चूँकि वो slowly गिर रही थी तो उसे कोई भी चोट नहीं लगी। जब वो नीचे पहुँची तो वो एकदम खड़ी हो गई। In front of her was another long tunnel. अब उसके सामने एक और long tunnel थी।
शी सॉ द वाइट रैबिट, उसने वाइट रैबिट को देखा। ही वॉज हरिंग डाउन इट, वो अभी भी बहुत तेज़ी के साथ नीचे उतर रहा था। एलिस रैन आफ्टर हिम क्विकली, वो भी उसके पीछे तेज़ी के साथ भागी। शी हर्ड हिम से ओ डियर इट इज़ वेरी वेरी लेट। देन ही वेंट अराउंड अ कॉर्नर, व्हेन एलिस गॉट टू द कॉर्नर शी कुडंट सी हिम एनीवेयर, वो एक कॉर्नर पे पहुंच गया और जब एलिस वहाँ पहुंची तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। नाउ कम टू पेज नंबर 3। नाउ बेटा वी आर ऑन पेज नंबर 3 एंड द हेडिंग इज द ब्यूटिफुल गार्डन। शी वॉज स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लो हॉल, अब वो कहाँ खड़ी थी, एक लॉन्ग लो हॉल में। देयर वर लॉट्स ऑफ लाइट्स हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग, और वहाँ पर छत के साथ बहुत सारी लाइट्स लटक रही थी। देयर वर डोर्स ऑल राउंड द हॉल, और हॉल के सब तरफ बहुत सारे डोर थे। एलिस ट्राई टू ओपन दैम, देवर ऑल लॉक्ड, एलिस ने उन्हें खोलने की कोशिश की लेकिन वो सब लॉक थे। शी सॉ अ लिटिल ग्लास टेबल विथ 3 legs, उसने एक छोटी सी ग्लास टेबल देखी जिसकी 3 legs थी। देयर वॉज अ स्मॉल गोल्ड की ऑन इट, उसके ऊपर एक स्मॉल गोल्ड की रखी थी। देन शी नोटिस्ड अ लो कर्टन, फिर उसने एक छोटा नीचे कर्टन देखा। बिहाइंड इट वॉज अ लिटिल डोर अबाउट 15 inches हाई, उस कर्टन के पीछे एक छोटा सा डोर था जिसकी हाइट क्या थी बेटे, 15 inches। शी ट्राइड द लिटिल गोल्ड की इन द लॉक, द डोर ओपन, उसने वो गोल्ड की से वो दरवाज़ा खोला और वो डोर ओपन हो गया। देखें ये रहा, ये हॉल में खड़ी, यहाँ पे छोटे छोटे से डोर है, उसे कर्टन नज़र आया था, कर्टन के पीछे डोर था, उसने गोल्ड की टेबल से उठा के उधर डाली तो वो डोर ओपन हो गया। एलिस बेंड डाउन एंड लुक थ्रू, एलिस झुकी और उसने उसके अंदर देखा। शी सॉ अ स्मॉल टनल एंड एट द एंड ऑफ इट अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन, इसके अंदर एक स्मॉल टनल थी और उसके एंड पर एक बहुत ब्यूटीफुल गार्डन था। ओह आई वुड लाइक टू गो इन टू दैट नाइस गार्डन, शी थॉट, उसने सोचा कि मैं इस गार्डन में जाना चाहती हूँ, मुझे इस गार्डन में जाना अच्छा लगता है। बट शी वॉज टू बिग टू गेट इन टू द टनल, लेकिन वो इतनी बड़ी थी कि उस टनल में से नहीं जा सकती थी। आई विश आई कुड मेक माई सेल्फ स्मॉलर, थॉट एलिस, एलिस ने सोचा काश मैं अपने आप को छोटा कर सकती। शी लॉक द लिटिल डोर एंड वेंट बैक टू द टेबल, उसने वो लॉक डोर कर दिया और दोबारा टेबल पर चली गई। दिस टाइम शी फाउंड अ लिटिल बॉटल ऑन द टेबल, इस दफ़ा उसे टेबल पे क्या मिला, एक छोटी बॉटल। शी पुट द की ऑन द टेबल एंड पिक्ड अप द बॉटल, उसने की टेबल पर रखी और वो बॉटल उठा ली। दिस वॉजेंट हियर बिफोर, एलिस सेड, एलिस ने कहा ये पहले तो यहाँ नहीं थी। राउंड द बॉटल वॉज अ पेपर लेबल विद द वर्ड्स ड्रिंक मी ऑन इट, उस बॉटल के ऊपर एक रैपर लगा था और उस रैपर पे क्या लिखा था बेटे, ड्रिंक मी। फर्स्ट एलिस टेस्टेड इट केयरफुली, पहले एलिस ने उसे चखा। इट वॉज वेरी नाइस, सो देन शी ड्रिंक इट ऑल, वो बहुत अच्छा था तो उसके बाद एलिस ने उसे पी लिया। ओके नाउ बेटा टर्न द पेज, नाउ दिस इज पेज नंबर 4 एंड द हेडिंग इज एलिस ग्रोस स्मॉलर, एलिस छोटी हो गई। What a strange feeling, said Alice. Everything seems to be getting bigger. Alice ने जब वो बॉटल बेटा उसमें जो ड्रिंक था उसको पी लिया तो उसने कहा कितनी अजीब सी फीलिंग हो रही है, हर चीज़ मुझे बड़ी बड़ी लग रही है। पर हैस आई एम गेटिंग स्मॉलर, शायद मैं छोटी हो रही हूँ। शी वॉज गेटिंग स्मॉलर, वो छोटी हो रही थी। शी वॉज नाउ ओनली 10 inches हाई, और अब वो कितनी रह गई, बहुत छोटी सी रह गई, ओनली 10 inches हाई। शी फेल्ट वेरी हैप्पी, वो बहुत हैप्पी हो गई। शी वॉज जस्ट द राइट साइज टू गो थ्रू द लिटिल डोर इन टू दैट लवली गार्डन, अब वो इतनी छोटी हो गई कि उसका साइज़ बिल्कुल सही था उस डोर में से गुजर के लवली गार्डन में जाने के लिए। व्हेन शी अराइव्ड एट द डोर शी फाउंड शी हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग द लिटिल गोल्ड की, जब वो डोर के पास आई तो उसने क्या उसे क्या पता लगा कि वो अपनी लिटिल गोल्ड की तो टेबल पर ही छोड़ आई है। व्हेन शी वेंट बैक टू द टेबल इट वॉज टू हाई फॉर हर, सो शी सैट डाउन एंड क्राइड, जब वो टेबल के पास पहुंची तो टेबल बहुत ऊंची थी तो वो वहीं बैठ के रोने लगी। Well, well, it is silly to cry like that, Alice said to herself. Stop crying at once. फिर उसने अपने आप से कहा कि इस तरह से रोना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, चुप हो जाओ एकदम। Then she saw a little glass box under the table. फिर उसने टेबल के नीचे एक छोटा ग्लास बॉक्स देखा। There was a very small cake inside it. उसके अंदर एक छोटा सा केक था with the words eat me on it, और उसके ऊपर लिखा था eat me. Well, I'll eat it, said Alice. Perhaps it will make me grow bigger, then I can reach the key. If it makes me grow smaller, I can go under the door. I'll get into the garden one way or the other. उसने ये कहा कि अगर मैं ये केक खा लूँ तो हो सकता है मैं बड़ी हो जाऊँ, फिर मैं की के पास पहुँच जाऊँगी, और अगर मैं छोटी हो जाऊँगी तो मैं डोर के अंदर से जा सकती हूँ। She ate a little of the cake. उसने थोड़ा सा केक खाया। She put her hand on the top of her head. उसने अपना हाथ अपने सर के ऊपर रखा। She wanted to see which way she was growing. वो देखना चाहती थी कि वो किस तरह से बढ़ रही है। She was quite surprised. वो सरप्राइज हो गई। Nothing was happening. कुछ भी नहीं हो रहा था। So very quickly she ate the whole cake. So उसने बहुत जल्दी जल्दी पूरा केक खा लिया। Okay बेटा, so with this we have finished our chapter number 1.
अच्छा था ना ये, अच्छा नॉवल है, स्टार्ट कितना अच्छा है इसका, आगे भी हमें बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट होगी इंशाल्लाह ताला। नाउ यू रीड अगेन दिस होल चैप्टर अगेन एंड एन्जॉय। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।